आईपीएल के हर सीजन में पंजाब किंग्स की टीम की स्क्वाड बहुत ही ज्यादा सितारों से भरी हुई रहती है। हमेशा से ही पंजाब किंग्स की टीम बैलेंस नजर आती है, बड़े बड़े नाम पंजाब किंग्स की टीम में हमेशा से शामिल रहते हैं, लेकिन तभी भी कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स की टीम कुछ कारण की वजह से, किसी ना किसी कारण की वजह से पॉइंट टेबल पर नीचे रह जाती है या फिर क्वालिफाई नहीं कर पाती। 2 से 4 पॉइंट से हमेशा से पंजाब किंग्स की टीम पीछे रह जाती है और इसके बहुत सारे बड़े बड़े कारण हैं। और उसी तरह कुछ दोस्तों यहां पर कमजोरी आईपीएल 2022 के सीजन के लिए पंजाब किंग्स की टीम में निकल कर आ रही है। दो बड़ी कमजोरी जो कि पंजाब किंग्स की टीम को बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है आईपीएल 2022 के सीजन में, उन सभी कमजोरी के बारे में बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो हमेशा की तरह दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ अच्छाइयाँ हैं पंजाब किंग्स की टीम में, जो कि टॉप 3 बल्लेबाज हैं पंजाब किंग्स की टीम में। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज शिखर धवन, जॉनी बेस्टो, मयंक अग्रवाल, ये कुछ खिलाड़ी बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं जो कि टॉप ऑर्डर में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करके दे सकते हैं। तो टॉप ऑर्डर तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर से पंजाब किंग्स की टीम की जो पहली कमजोरी है वो है उनका मिडिल ऑर्डर। पंजाब किंग्स की टीम के पास नंबर 4, 5 और 6 पर खेलने के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं है, बेहतरीन ऑलराउंडर्स नहीं है जिनका फॉर्म हो। लियाम लिविंगस्टन, राज बावा, ऋषि धवन, शाहरुख खान, ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जो कि दोस्तों यहां पर पंजाब किंग्स की टीम में नंबर 4, 5, 6 पर खेलने वाले हैं। और इन सभी खिलाड़ियों में से कोई 3 खिलाड़ी यहां पर नंबर 4, 5, 6 में हमें दिखाई देंगे। और इसमें से भी शाहरुख खान जिनका फॉर्म बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बाकी सभी खिलाड़ियों का फॉर्म डाउन है। किसी भी तरह का परफॉर्मेंस इनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रहा किसी भी लीग में। और मेन बात दोस्तों यहाँ पर कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो डेब्यू कर रहे हैं, कुछ खिलाड़ी वापसी कर रहे हैं और कुछ खिलाड़ी अपनी फॉर्म को तलाश रहे हैं, जैसे कि लियाम लिविंगस्टन जो कि फॉर्म की तलाश में है, ऋषि धवन अपनी वापसी कर रहे हैं आईपीएल में और राज बावा जो कि डेब्यू करेंगे। तो ऐसे में पंजाब किंग्स की टीम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनुभव की कमी नज़र आती है। लियाम लिविंगस्टन जो कि 9 मैचेस खेले हैं इन्होंने, और शाहरुख खान जिन्होंने 11 मैचेस खेले हैं और 11 मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इनको लगातार सीजन में खिलाया नहीं गया। और लियाम लिविंगस्टन जो कि दोस्तों आईपीएल में एक अच्छी इमेज नहीं बना पाए हैं अभी तक, एज ए विदेशी ऑलराउंडर, एज ए विदेशी बल्लेबाज, ये अभी तक इनकी अच्छी इमेज नहीं बनी है आईपीएल में। और ये आईपीएल 2022 के सीजन में अच्छा करके दिखाना चाहेंगे, लेकिन इन्होंने अभी तक अच्छा नहीं किया है। ये एक बहुत ही बड़ी कमजोरी है पंजाब किंग्स की टीम की, जो कि मिडिल ऑर्डर दोस्तों नंबर 4, 5 और 6 पर शानदार खिलाड़ी नहीं है पंजाब किंग्स की टीम के पास, कुछ खिलाड़ियों का फॉर्म भी नहीं है। तो ऐसे में पंजाब किंग्स की टीम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है आईपीएल 2022 के सीजन में। तो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी कमजोरी के बारे में। पंजाब किंग्स की टीम की जो दूसरी कमजोरी है वो है दोस्तों उनका बेंच स्ट्रेंथ। आपको पता है कि दोस्तों 10 टीमों का आईपीएल होगा, लंबा आईपीएल होगा, 2 महीने का लगभग आईपीएल होने वाला है, और ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ प्लेयर इंजर्ड हो सकते हैं, किसी को कुछ हो सकता है। तो ऐसे में पंजाब किंग्स की टीम के पास कुछ खिलाड़ियों के बैकअप में अच्छे ऑप्शन नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम के पास बेंच पर बैठे हुए खिलाड़ी राजापक्सा, बेनी हॉल, संदीप शर्मा, ईशान पोरेल और भी ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जो कि दोस्तों बेंच पर बैठेंगे, इनको अगर मौका भी मिलता है तो ये ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो कि दोस्तों मैच विनर हो। तो पंजाब किंग्स की टीम के पास दोस्तों बैकअप के खिलाड़ी पर मैच विनर्स खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी तो है लेकिन मैच विनर खिलाड़ी नहीं है, जो कि दोस्तों यहाँ पर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है पंजाब किंग्स की टीम के पास, जैसे कि बहुत सारी टीमों के पास है। 8 ओवरसीज में से दोस्तों यहाँ पर उनके बैकअप ढूंढे जाते हैं। तो यहाँ पर राजापक्सा जो कि लियाम लिविंगस्टन के बैकअप के तौर पर खेल रहे हैं, ओडियन स्मिथ जो कि रबाडा के बैकअप में खेल रहे हैं, बेनी हॉल जो कि ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में कोई इंजर्ड होता है तो आएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर बैकअप पंजाब किंग्स की टीम का बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम के साथ बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इस चीज़ में। बैकअप खिलाड़ियों के तौर पर कोई भी खिलाड़ी नहीं है दोस्तों बॉलिंग डिपार्टमेंट में, अगर लेग स्पिनर को हटा दिया जाए, राहुल चहर को हटा दिया जाए तो उनकी जगह कौन सा खिलाड़ी आएगा, कौन सा लेग स्पिनर है पंजाब किंग्स की टीम के पास, कोई भी नहीं है। अब राहुल चहर का दोस्तों बैकअप यहाँ पर कोई भी मिल सकता था, मुर्गन अश्विन या फिर कोई और भी खिलाड़ी जो कि अच्छा बैकअप हो जाता। तो ऐसा भी कोई बैकअप नहीं रखा है पंजाब किंग्स की टीम में। प्लेइंग 11 के जो भी खिलाड़ी हैं वो तो बेहतरीन खिलाड़ी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनमें से कोई इंजर्ड होता तो उनके बैकअप के तौर पर जो बेंच पर बैठे हुए खिलाड़ी, उनमें से कोई भी खिलाड़ी बेहतरीन खिलाड़ी नहीं जो कि अनुभव भी नहीं रखते आईपीएल का, साथ ही साथ उनको अभी तक फॉर्म की तलाश है अपनी। तो ऐसे में ऐसे खिलाड़ी जो कि बेंच पर बैठे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा कमजोरी नजर आएगी पंजाब किंग्स की टीम में आईपीएल 2022 के सीजन में, क्योंकि 2 महीने का बहुत ही बड़ा आईपीएल चलेगा और ऐसे में कोई भी खिलाड़ी इंजर्ड होता है, किसी भी तरीके से कुछ होता है तो उनके तौर पर बैकअप के खिलाड़ी अच्छे नहीं है पंजाब किंग्स की टीम में। तो दोस्तों ये 2 बड़ी कमजोरियां हैं पंजाब किंग्स की टीम में, जो कि पंजाब किंग्स की टीम का मिडिल ऑर्डर और पंजाब किंग्स की टीम का बेंच स्ट्रेंथ। तो दोस्तों इसमें आपका क्या मानना है, क्या पंजाब किंग्स की टीम की आईपीएल 2022 के लिए प्लेइंग 11 क्या रह सकती है आईपीएल 2022 में, आप अपनी राय हमें नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और ऐसी अपडेट्स जो कि आईपीएल 2022 के लिए पंजाब किंग्स की टीम के लिए और लगातार सभी आईपीएल टीमों के लिए निकाल दूँ सभी के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि दोस्तों आप सभी को ऐसी अपडेट्स मिल सकें।